देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में बहादुर बहनों ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। बहादुर बहनों ने यमुना नदी में डूब रहे चार युवकों को अपनी जान पर खेलकर जिंदा बचा लिया। बहनों की बहादुरी पर पूरे गांव में चर्चा और गर्व है। मामला लोकी थाना क्षेत्र के महल बादशाही गाँव का, जहाँ दोनों बहनें नदी में नहा रही थी तभी उन्हें चार युवक नदी में डूबते हुए नजर आए। ये देखते ही दोनों बहनों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में डूब रहे युवकों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। आशा और मिथिलेश ने किक करके नदी में डूब रहे चार युवकों को जिंदा बचा लिया। एक बहन पहले एक युवक को बाहर लेकर आई, फिर दूसरे, तीसरे और फिर चौथे युवक को बहनों ने बहादुरी दिखाते हुए जिंदा बचा लिया। ऐसा था, चार छोरे, चार बंदे उसमें जमुना में डूब रहे थे और ये नहीं लग रहा था दीदी बचा हम बचा लेंगे क्या, दीदी बचाएंगे, भैया बचाएंगे, ये नहीं लग रहा था। सामने दो अंकल थे, उन्होंने हिम्मत आ गए, पर हमने हिम्मत कही, दीदी से कही, दीदी चलो चलो, दीदी ना ही कर रही थी, पर दीदी ने, मैं कूदी, फिर दीदी कूदी, फिर भाई कूदे थोड़े दो, पर दीदी ने एक दीदी को पकड़ा के गई, फिर दूसरे को गई, दूसरा मैंने बीच से निकाला जमुना से नीचे से, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, पर ये नहीं लगता था उनके सामने मेरे का होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या सोचेगा कि इसने बचा लिया। मैं आज सर, मैं एक्चुअली क्या है, वहाँ खड़ा था तो मेरे को पता नहीं था कौन नहा रहा है क्या कर रहा है, बच्चे बहुत नहा रहे थे। यहाँ पे एक नाव थी तो नाव डूब गई थी तो उस पर ही कूद कूद के नहा रहे थे। वो लोग इधर साइड से आ रहे थे, नहाते हुए यहाँ तक आ गए, तो ये दोनों बहनें मेरी, इन्होंने देखा कि ये बच्चे जहाँ डूब रहे हैं, चार बच्चे डूब गए, तो सभी लोग यहाँ पे मतलब शोर मचाने लगे कि बच्चे डूब गए। तो ये लोग पता नहीं इनके अंदर क्या जज्बा, कैसे आगे क्या चली गई ये, और इन्होंने बचा लिया उनको, चारों को जाके। एक जो बच्चा था थोड़ा 15 साल का था तकरीबन, तो वो थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गया था, उसकी हालत ज़्यादा डाउन हो गई थी। बाकी तीन लोग थे वो तो सही निकाल लिए थे, फिर वो भी सही हो गया, उसका पानी वानी निकाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज नगरी आगरा में सामूहिक विवाह संपन्न हुए, जिसमें 45 जोड़ों ने 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत हुए इस कार्यक्रम में 2 मुस्लिम और 1 दिव्यांग जोड़ा भी परिणय सूत्र में बंधा। इस दौरान लड़कियों के परिजनों के चेहरे पर खुशी देखी गई। यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक विवाह 2017 में स्टार्ट हुआ। इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को यही मंशा की है कि सामाजिक समरसता समभाव बढ़े और बिना दहेज लिए हमारे गरीब बच्चे को जो शादी होती है उसको एक अच्छे मंच पे महान बाबू के आशीर्वाद के साथ शादी की संपन्न बगैर किसी खुद आपसे यही कह रहे हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे नेतृत्व के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सामूहिक विवाह योजना है। तो इस वक्त जो यहाँ है वो 45 जोड़े और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें विकलांग भी हैं और अल्पसंख्यक जोड़े भी हैं। तो चूंकि जैसा सरकार का मानना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास, देर शाम मामूली विवाद में 200 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को पीटा है। दबंगों की पिटाई से आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे, महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। सभी घायलों का अमेठी CSC में इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक ने न्याय न मिलने पर पूरे परिवार के साथ पलायन करने की यहां पर धमकी दी है। वहीं पुलिस ने 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार किया। अमेठी कस्बे के मुस्लिम बाहुल्य इलाके गंगागंज मोहल्ले का यह पूरा मामला। और अब खबर गोंडा से, जहां थानेपुर क्षेत्र के मुजहना के लीला पोखरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई को गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक को नजदीकी CSC पर लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। दिनांक 10 जून 2022 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुजहना के मौजा लाली पोखरा में दो पक्ष जो कि आपस में सके पटीदार हैं, जमीन पर कब्जा करने की नीयत से इन दोनों पक्षों के बीच में
विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें अभिषेक को उसी के पतिदार चचेरे भाइयों द्वारा, जिनके नाम शुभम व राजन प्रकाश में आ रहे हैं, उनके द्वारा गोली मारी गई है, जिसमें मजरू अभिषेक के दाहिने हाथ व पेट में गोली लगी है, जिसे तत्काल CSC मुझना रवाना किया गया था और उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मजरू की मां के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना धानेपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आया। जनपद में से कुशल जुमे की नमाज को अदा कराने को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर कल मौजूद रही। मस्जिद परिसर के आसपास ड्रोन कैमरे और जिले भर में इंटेलिजेंस के जरिए पैनी नजर कल रखी गई थी। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांति का माहौल बनाने की अपील करते रहे, जिस वजह से माहौल सामान्य रहा। क्योंकि आज जैसा कि मालूम है आपको कि जुमे की नमाज है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करते हैं, उसी को लेके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई नौटंकी नोशंस, कोई अफवाहबाजी, किसी तरह की कोई फर्जी चीज़ें ना कर सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई दंगा फसाद हो और सभी शांतिप्रिय अपना नमाज अदा करें, अपने घर पर जाएँ। अगर कोई नौटंकी करता है, कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करने का कोशिश करता है, वो चाहे किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी तरह से उसको बख्शा नहीं जाएगा। संभल में कड़ी सुरक्षा और ड्रोन की निगरानी के बीच जुमे की नमाज कल संपन्न हुई। वहीं स्थानीय पुलिस धर्मगुरुओं की अपील को दरकिनार कर मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों दुकानें बंद रखी। वहीं SP ने कहा कि संभल प्रशासन 3 दिन और हाई अलर्ट पर रहेगा। जनपद संभल में अनेकों स्थान पर जहाँ जहाँ जुमे की नमाज ट्रेडिशनली होती है, आज वहाँ सकुशल संपन्न हो गई है। पुलिस के द्वारा सभी जगह पर लगातार निगरानी बनाई रखी गई है। हमारी फोर्स टोटल अलर्ट के मोड में है और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग आज शाम तक, उसके बाद अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट पर रहने का हम लोगों ने प्लान किया है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें हमारे पास जो फोर्स बाहर से आया हुआ है उसके साथ लगातार निगरानी बनाई जा रही है, रूट मार्च किया जा रहा है और जो भी ड्रोन वगैरह की तरीके से उसकी निगरानी की जा रही है। खटीमा के भूड़ मोहलिया क्षेत्र में 2 जगह अवैध रूप से चल रहे मिट्टी खनन की सूचना पर खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने तत्काल छापा मारकर अवैध खनन में लिप्त एक JCB और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर सीज करते तहसील परिसर में खड़ा कर दिया। वहीं मौके से कई खनन कारोबारी अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में सफल रहे। आपको बता दें, खटीमा तहसील क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लगातार दिन रात अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, जबकि खटीमा प्रशासन अवैध खनन लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी खनन माफिया बेखौफ और निडर होकर अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। सूचना मिली थी कि भूड़ मोहल्ला में 2 जगह कहीं पर अवैध रूप से खनन करके मिट्टी उठाई जा रही है, तो उसी सूचना पर हमने तत्काल छापा मारा और ये यहाँ पर मौके पर हमें एक JCB और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मिली। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और JCB हम सीज करके अपने तहसील परिसर में हमने खड़ा कर दिया। बाकी भागने में सफल रही, लेकिन हम उसकी नप्ती कर लेंगे। कितना भी उन्होंने अवैध खनन किया गया, उसका जुर्माना उन पर इम्पोज कीजिए। थाना अतपदौला के रामबाग हनुमान मंदिर के पीछे जौहरबाग में चलती कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, धुंधु कर जलकर कार राख हो गई। मौके पर लोगों ने आसपास से समरसेबल चलाकर आग पर काबू करने की कोशिश की। नई सूचना मिलते ही मौके पर रामबाग डिवीजन चौक के इंचार्ज राजकुमार कुशवाहा पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लड़की के ऊपर छींटाकशी करने को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसके चलते एक शख्स के हाथ में गोली लग गई। लाठी डंडों से लड़के से 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना डॉकी क्षेत्र के गढ़ी चंदन का यह पूरा मामला। ताज नगरी आगरा में वर्षों से यमुना नदी में स्नान कर लोग पूजा अर्चना करते आए हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से यमुना नदी प्राण सूख चुकी है और अब नदी में प्राकृतिक जल नहीं बल्कि नालों का सिवर का पानी बहता है।
मथुरा और आगरा आती आती यमुना नाले में तब्दील हो जाती है। यमुना कनेक्टिविटी अभियान के तहत यमुना भक्तों ने गंगा दशहरा के अवसर पर यमुना की रेत से स्नान किया है। यमुना भक्तों की पीड़ा थी कि तमाम प्रयासों और जद्दोजहद के बावजूद भी आगरा में बैराज का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम यमुना नदी में उतरकर उसकी रेत से ही स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। नाले तो दिल्ली से लेके आगरा तक बनस्तूर गिरे जा रहे हैं, एक भी नाला टैप नहीं है। वृंदावन में थोड़ा बहुत कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो भी वापस नाले उसी में ही सीधे बहने लग गए, प्रवाह उसी में जाने लगा। दिल्ली में ही 98 नाले डायरेक्टली गिर रहे हैं, मेरी RTI के मुताबिक, मैंने RTI डाली थी, और उसमें से एक भी टैप नहीं हो रहा। जो नजफगढ़ का नाला है वो इतना बड़ा नाला है कि आधी यमुना नदी का पानी नजफगढ़ के नाले से आता है, इतना गंदा पानी, उसमें सीवेज का पानी भी आता है। और आगरा में भी 62 नाले गिर रहे हैं, RTI के मुताबिक 62 नाले अभी भी गिर रहे हैं। मेयर साहब जो कह रहे हैं कि ये सारे टैप हो गए, ये गलत कह रहे हैं। RTI रिसेंट RTI कहती है कि 62 नाले, खुद नगर निगम ने एक्सेप्ट किया है कि 62 नाले गिर रहे हैं अभी भी आगरा में। और सबसे बड़ी बात है ना, भैंसों का नहाना रुका इसमें, ना धोबी घाट हटे यहाँ से, ना इस तरह के मतलब अनैतिक कार्य, ना रिवर पुलिस बनी। देखेंगे हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी मान्यता गंगा दशहरे के पर या नदियों में स्नान करने की, जो अपनी माँ समान गंगा यमुना नदियों को माना गया है, उनकी स्थिति देखकर लगता है कि ये अपने अस्तित्व को रो रही हैं। आगरा की यमुना नदी अपनी हथियारों के दुश्मनों के की सजा मांग रही है। देख आज हम स्नान करने आए तो देखा हमने यमुना में जल ही नहीं बचा, तो हमें मजबूरन यमुना की अपनी मां को समझते हुए उसकी रज से नहाना पड़ा, रज स्नान करना पड़ा, रेत से स्नान करना पड़ा। क्योंकि हम सरकार से एक ही मांग करेंगे, आगरा को बैराज दें जिसके मारे यमुना का जल स्तर रुका रहे और आगरा की खूबसूरती बनी रहे। और हमेशा हमारी रिवर कनेक्ट की यही मांग रही है, आगरा को बैराज दो, यमुना का जलस्तर, यमुना सूखती जा रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्ददायी हो जाएगा। ताज नगरी आगरा का हर नागरिक स्वस्थ हो, इसी परिकल्पना के साथ आगरा नगर निगम शहर के वार्डों में योगाचार्य भेजेंगे। आगरा नगर निगम चाहता है कि उसका हर शहरी स्वस्थ रहे, इसके लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की जा रही है जो कि 15 जून से होगी। योग प्रशिक्षकों को 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए किया गया यहाँ पर, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि योग दिवस पर भी ये जो प्रशिक्षण है वो लगातार चलता रहेगा। विधायक बहरानी पक्षालिका सिंह ने अमृतसर सरोवर परियोजना के तहत तालाब का उद्घाटन किया। विधि विधान से हवन मंत्र उच्चारण के साथ विधायक ने पूजा अर्चना की और साथ साथ अमृत सरोवर कार्यक्रम में विधायक ने भूजल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। विधायक ने संबोधन में लोगों को जल संरक्षण करने, जल बर्बादी रोकने, अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत शेखपुर के ग्राम प्रधानों से गांव में किए जा रहे कार्यों में अनियमितता करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्यों का भौतिक सत्यापन कराए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि बिना खुली बैठक किए पंचायत सचिव के साथ मनमानी तरीके से कार्य योजना लिखी गई है और अपने हिसाब से कागजों में कार्य पूर्ण दिखाकर सचिव और रोजगार सेवक को सहयोगी बनाकर सरकारी पैसा निकालकर बंदरबांट किया जा रहा है। हमारे ग्राम सभा में हमारे ग्राम प्रधान जो है कोई बिना कार्य योजना के कार्य कराते हैं सर, और जब कोई बोलता है विपक्षी तो उस पर धमकी देते हैं, लोगों को मारने और डरवाने की धमकी देते हैं। लोग साग सब्जी लाने आने जाने से परेशान हैं, मुंह बांध के आते हैं, डंडा लेके आते हैं सर, गाड़ी आगे पीछे लगाते हैं सर। ये वजह से इन्होंने बिना कार्य योजना के 20 लाख रुपये निकाल लिया है, और इसमें हम लोग पूछते हैं, और लाइट हमारे मौजे में लगी है जितनी, 20% लाइट बंद हो चुकी है। मामला ये है सर कि मेरे बाग में ताल था, वो ताल खोदने के लिए प्रधान जी ने तेजी से चालू किए थे, हमारे लिए एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद नेट पास न पाया गया। अदर पार्टी वाले 7-20 साल कब जाती हैं उसको नहीं पता है, खाली हमारे ही बाग में ताल है उसको खुदवा रहे हैं। हम बोलने पर कह रहे हैं कि हम खुदवाएंगे, जो करेंगे करना हो करेंगे। उसमें एक हमारी ग्राम सभा में कोई ना तो अभी कार्य योजना बनी है, न कोई बैठक हुई है और न तो कुछ हुआ है। तो प्रधान के प्रतिनिधि जो है वो जो है दबंगई से सारा काम करा रहे हैं, और दबंगई से बिना कोई काम किए सारा बिल खर्च कर रहे हैं।
लखनऊ से आगरा जाते समय ड्राइवर को नींद की झपके लगने से अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, चार लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सेफे PGI में भर्ती कराया। थाना उर्साहार क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। फरुखाबाद में थाना पुलिस के आड़ में जगह जगह जुए के अड्डे सज रहे हैं। शमशाबाद थाना पुलिस के संरक्षण में थाना क्षेत्र में जुए के अड्डे सजते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत से जुआरियों के हौसले बुलंद हैं। जुआरी जगह जगह फड़ लगाकर जुआ खेल रहे हैं। जुआरी जुआ खेलने के साथ साथ शराब भी पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे आसपास के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर गोंडा पहुंचे। जिले के निजी मैरिज हॉल में आयोजित गरीब कल्याण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। राज्य मंत्री अनु सक्सेना कार्यक्रम में भी मौजूद रहे। मंत्री का भाजपा के जनप्रतिनिधि नेता और कार्यकर्ताओं ने माला बनाकर जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार में रिश्वतखोर दारोगा, हमीरपुर में रिश्वतखोर दारोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वतखोर दारोगा हरिश्चंद ने। मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित के भाई की शिकायत पर लखनऊ से आई 11 सदस्यीय एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जनपद के जलालपुर थाने में तैनात है रिश्वतखोर दारोगा। IAS डॉक्टर रामविलास यादव के पुनरिया स्थित दिलकश विहार रानी कोठी सीतापुर रोड लखनऊ और गुड़म्बा कुर्सी रोड स्थित जनता विद्यालय में विजिलेंस उत्तराखंड ने छापा मारा। इसके अलावा प्रदेश के गाजीपुर जिला, गाजियाबाद जिला, उत्तराखंड के ठिकानों पर भी विजिलेंस ने एक साथ छापे मारने की कार्रवाई शुरू की। सामुदायिक कार्यकर्ता हेमंत कुमार मिश्र की शिकायत पर विजिलेंस उत्तराखंड ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू की है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर श्रीनगर में उफलाड़ा के समीप एक तेज फॉर्चुनर कार ने एक महिला को टक्कर मार दी, लेकिन महिला की किस्मत ने महिला का साथ दिया और महिला जोरदार टक्कर के बावजूद भी सुरक्षित बच गई। वह इस घटना के बाद से वाहन चालक पर लोगों ने जमकर हाथ साफ किया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में कैद हो गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।